हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वर्ट एकेडमी। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चले स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू गिव बी, ए आल्सो रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव सी, बी एंड सी रिएक्ट्स विद ईच अदर टू गिव डाइमिथाइल ईथर, देन A, B, C, respectively, R. तो हमसे A, B, C, D पूछे गए हैं कि क्या होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। हमसे कहा गया कि एक कंपाउंड रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ में, B देता है, ठीक है ना। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा कि ये अल्कोहल रहा होगा, है ना। चलिए, also reacts with PCl5 to give C. जब PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो वो C देता है। B और C आपस में रिएक्शन करते हैं तो देते हैं डाइमिथाइल ईथर। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उल्टा चलना पड़ेगा। हमको जो कंपाउंड बताया गया वो डाइमिथाइल ईथर बताया गया, तो हम इसी डाइमिथाइल ईथर से चलते हैं। डाइमिथाइल ईथर मतलब क्या, CH3OCH3 ये बनता है हमारा। किससे बनता है बेटा, ये बनता है हमारा किससे, बी और सी की रिएक्शन से। इसका मतलब बी और सी की जो रिएक्शन है उससे ये बनता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन यूज कर सकते हैं। एक चीज तो यह है कि CH3ONA हमारे पास हो, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या हो हमारे पास में, मान लो CH3Cl हो हमारे पास में, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम NaCl को माइनस करें तो CH3OCH3 बन सकता है। क्या बन सकता है, CH3OCH3 बन सकता है। और हमें पता है कि ये रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, जिसकी मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म होती है। इसी की वजह से हम लोग जो अल्काइल हैलाइड इसमें लेते हैं वो प्राइमरी लेते हैं। यहाँ प्राइमरी नहीं, मिथाइल अल्काइल हैलाइड लिया गया है, तो और अच्छी बात है, ये रिएक्शन और अच्छे तरीके से होगी, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। मान लो कि इसमें हमारे पास में ये बी रहा होगा और ये हमारे पास में सी रहा होगा, है ना। तो ये तो पता चला हमें कि हमारे पास में जो C और B है, मान लिया भी हमने, ठीक कह रहे हैं कि एक कोई कंपाउंड A था वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया। इसका मतलब हमने कहा कि अगर हमारे पास ये CH3OH रहा होगा तो ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया होगा, और रिएक्शन करने के बाद इसने CH3ONA बनाया होगा। क्या बनाया होगा, ONA बनाया होगा, मतलब ये हमारा B बना होगा। देखो यहां भी B यही था ना, तो B हमारा कंफर्म हो गया कि CH3ONA होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में कहा कि जो A है वो रिएक्ट करता है PCl5 के साथ में और C बनाता है। तो बेटा A मतलब क्या, CH3OH को हमने A मान लिया ना, ये हमारा A हो गया। ये रिएक्शन कर रहा है PCl5 के साथ में, और हमने कहा कि PCl5 के साथ में अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका CH3Cl बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो CH3Cl बना, तो CH3Cl ये क्या बना रहा है, A रिएक्शन कर रहा है तो C बना रहा है। तो ये जो बना होगा मेरा बेटा वो क्या बना होगा, C बना होगा। तो ये क्या रहा आपका, C। तो इसका मतलब A हमारा हुआ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल कहां है, यहां है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। चौथा तो ऑप्शन हो सकता। B हमारे पास CH3ONA है, तो CH3ONA यहां भी है, यहां भी है, लेकिन अब दूसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है ना। फिर हम C की बात करते हैं, तो C हमारे पास कहां है, CH3Cl इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब C ये वाला ऑप्शन हमारा होगा, इसका थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा कन्वर्जन था, फंसा करके आपसे पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या यूज किया गया, नेम रिएक्शन यूज की गई। बेटा नेम रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन को आपने पढ़ा तो कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसीलिए नेम रिएक्शन को जरूर पढ़िएगा। नेम रिएक्शन को पढ़ने के लिए आप कन्वर्जन ट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं। कन्वर्जन ट्रिक्स मैंने बताई हैं, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए, ऑर्गेनिक कन्वर्जन ट्रिक्स जा करके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।